हेलो कैसे हैं आज फिर मैं आप लोग के साथ स्टूडेंट इलिट पे उपराष्ट्रपति का भाग दो लेकर के आया हूं और इससे बनने वाले जो भी प्रश्न होंगे उसके उसके डिस्कस को मैं आप लोग के साथ बहुत ही अच्छे से है ना उसका डिस्कशन करूंगा और आज का सेशन का पहला प्रश्न होगा पहला प्रश्न है भारत के उपराष्ट्रपति को चार हजार चार लाख प्रति माह वेतन मिलता है उन्हें में से किसके सम्मान भत्ता मिलता है है ना तो मैं बता दूं कि उपराष्ट्रपति का जो पेमेंट की जो व्यवस्था की गई है वेतन की जो व्यवस्था की गई है वे उपराष्ट्रपति पद पत के लिए ना होकर राज्य सभा के राज्यसभा के सभापति के रूप में उन्हें किया गया है तो आप बता सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर नंबर ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा सांसद के सदस्य सांसद के सदस्य कहने का मतलब है कि राज्यसभा या लोकसभा तो उपराष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा के राज्यसभा के सभापति होते हैं और राज्यसभा के सभापति चुनने की जो प्रक्रिया होती है उसमें उसकी जो योग्यताएं होती है कि राज्यसभा के जो भी सभापति चुनेंगे उपराष्ट्रपति होंगे और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य होना जरूरी होता है तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अगला प्रश्न है आपका अगला प्रश्न अगला प्रश्न आपका है है न अगले प्रश्न की ओर चलते हैं उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है तो मैंने कल ही चर्चा किया था कि यदि उपराष्ट्रपति को पद से हटाना हो तो उसके लिए सांसद में है ना सांसद में कहने का मतलब सांसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा में राज्यसभा में क्या किया जाता है कि उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है और उस महाभियोग का प्रस्ताव जो होते हैं दो बटे तीन बहुमत से दो बटा तीन बहुमत से राज्यसभा में उपस्थित तो कुल कुल सदस्यों का दो बटा तीन बहुमत से पारित होना अनिवार्य होता है, है। चलिए तो बता सकते हैं उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार जो है आपका है ना आपका संसद है सभा राज्य सभा को है चलिए अगले प्रश्न प्रश्न की ओर चलते हैं अगला आपका है भारत के उपराष्ट्रपति को पद युक्त करने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है तो मैं बताया था कि केवल और केवल केवल और केवल राज्यसभा में उनके खिलाफ महाभियोग की प्रस्ताव लाया जा सकता है और मैं बता दूं कि यदि उपराष्ट्रपति के पद या राष्ट्रपति के पद के लिए यदि महाभियोग की प्रस्ताव लाने की बात कही जाती है तो उस प्रस्ताव को लाने से पहले चौदह दिन पूर्व चौदह दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य हो जाता है तो आपका ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है केवल राज्यसभा में देखिए ये प्रश्न 2004 यूपी पीसीएस में पूछा गया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पूछे गए प्रश्न है चलिए अगला प्रश्न है भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है बस देखिए क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है घुमा घुमा वही क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर रहा है लेकिन पूछने की जो तरीका है अलग है घुमा रहा है हमेशा क्या कर रहा है वही प्रश्न को घुमा रहा है तो बता सकते हैं आप है ना कि मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति ये आपका ऑप्शन गलत है है ना राष्ट्रपति की है ना से लोकसभा ये भी गलत है आपका लोकसभा की समाप्ति की से ये भी आपका गलत है राष्ट्रपति की सहमति से राज्य राज्यसभा में यदि प्रस्ताव पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति जो है है ना उसने सहमति होकर के क्या करता है कि उनके त्याग पत्र को है ना अपने पास लेते हैं चलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर है ना अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अगला प्रश्न आपका है उपराष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने से पूर्व पदच्युत किया जा सकता है तो राष्ट्रपति को पदच्युत आप बता सकते हैं कि मैंने बताया था कि राज्यसभा के राज्यसभा के सदस्यों के दो बटा तीन बहुमत से पारित होना अनिवार्य होता है राज्यसभा के सदस्यों के है ना कुल बहुमत का दो बटा तीन बहुमत है ना पारित होना अनिवार्य होता है तो आपका ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होंगे चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति है ना राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है जबकि राष्ट्रपति देखिए है ना पहला क्या है अनुपस्थित होना बीमार होना देखिए मैं बता दूं कि यदि मान लिया अनुपस्थित होना अनुपस्थित होने का मतलब होता है कि मान लिया जाए राष्ट्रपति कहीं दौरे पे चले गए घूमने के लिए चले गए तो ऐसा नहीं कि वो दौरे पर चले गए तो उनका पद रिक्त हो गया मान लिया दिया गया बीमार होना तो राष्ट्रपति मान लिया दो चार दिन के लिए यदि बीमार पड़ते तो ऐसा नहीं है कि है ना या तो उनकी मृत्यु हो जाए या तो कार्य कार्य उनके जो राष्ट्रपति का जो कार्य है राष्ट्रपति करने में आस सक्षम हो जाए तब माना जाएगा कि राष्ट्रपति का पद खाली है और उस कार्य को भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तो छह महीना के लिए भारत में व्यवस्था की गई है कि उपराष्ट्रपति सिर्फ और सिर्फ छह महीना के लिए ही कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तो उस छह महीना में राष्ट्रपति को मिलने वाले जितने भी भत्ता पेंशन है ना और वेतन जो भी है उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के बराबर ही मिलेंगे तो आप बता सकते हैं कि क्या होगा तो अपना कार्य करने में यदि असक्षम हो जाए तो है ना उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्य को संचालन करेंगे चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अगला प्रश्न है जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तो है चर्चा किया हूं कि राष्ट्रपति के कार्यभार को संभालता है तो उपराष्ट्रपति को भारत के राष्ट्रपति वेतन भत्ता सुविधाएं जो भी होंगे उन्हें प्राप्त होंगे तो बता सकते हैं आप है ना कि वह राज्यसभा के सभापति के रूप में सभी कार्य कार्य करता है यह आपका गलत है यदि उपराष्ट्रपति होंगे उपराष्ट्रपति यदि भारत के राष्ट्रपति होते हैं तो सभापति राज्यसभा के सभापति का कार्य संचालित ना करते हैं सभा के सभा उपसभापति राज्यसभा का कार्य का संचालित करते हैं अगला ऑप्शन है उसे राष्ट्रपति पद के सभी विशेषाधिकार भत्ते प्राप्त होते हैं है ना तो मैं बता दूं कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है क्योंकि मैंने अभी क्या किया है ना अभी मैंने इस पर डिस्कस किया हूं चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अगला प्रश्न आपका है जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति पद पर कौन कार्य करता है तो मैंने अभी चर्चा किया कि जब उपराष्ट्रपति जब उपराष्ट्रपति भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति यदि हो जाएंगे तो राज्यसभा के उपसभापति वहां के कार्य का संचालन करेंगे ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा है ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा सही आंसर है है ना ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है आप लोग इस क्लास को बहुत ही ध्यान से बहुत ही है ना आप ध्यान पूर्वक इस क्लास को यदि आप करते हैं तो सेशन को समाप्त होते होते है ना होते होते आप खुद ब खुद प्रश्न का जवाब दे सकते हैं क्योंकि मैं जब एक प्रश्न आता है तो मैं उसे बहुत सारी बातें करता हूं और उसका डिस्कस करता हूं इसलिए इस क्लास को जब भी आप देखते हैं तो आप ध्यान पूर्वक देखें और हो सके तो आप कॉपी पेन ले करके बैठे जो मैं लिखता हूं और जो मैं बोलता हूं उसको आप लिखें बहुत ही सहूलियत होगी बहुत ही सहूलियत होगी तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अगला प्रश्न आपका है राष्ट्रपति की मृत्यु पर जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो क्या होता है देखिए राष्ट्रपति के कार्यकाल के शेष समय तक पद पर आसीन रहता है एकदम गलत है मैंने कल ही बताया था कि एक प्रश्न आया था कल कल के सेशन में देखिए आप लोग यदि ध्यान से यदि क्लास किए होंगे तो इसका आप आंसर बता सकते हैं कल का क्लास मैंने उपराष्ट्रपति में बोला था कि भारत के भारत में उपराष्ट्रपति पद का जो पद लाया गया है बताया जाए वह अमेरिका के संविधान से लिया गया अमेरिका के संविधान से लिया गया है अमेरिका में यह प्रावधान किया गया है कि यदि राष्ट्रपति राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती या किसी प्रकार उनके पद खाली हो जाते हैं तो राष्ट्रपति के बचे हुए बचे हुए समय के लिए उपराष्ट्रपति चुने जाते हैं लेकिन मैं बता दूं भारत में वैसी व्यवस्था नहीं की गई है भारत में सिर्फ और सिर्फ वैसी व्यवस्था की गई है कि यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो और उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में यदि कार्य करते हैं तो बचे हुए समय के लिए ना हो करके मात्र 6 महीने के लिए यानी 6 महीने के लिए ही वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे तो आप बता सकते हैं अधिकतम छे माह के है हाँ पर ही पद पर आसीन रह सकते हैं तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है हाँ चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अगला प्रश्न है राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता है देखिए जब राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता है तो राज्यसभा को विघटित नहीं कर सकता मैं बताया था कि राज्यसभा जो कि उच्च सदन माने जाते हैं अस्थाई सदन माने जाते हैं उन्नीस से लेकर के आज तक के राज्यसभा राज्यसभा लगातार कार्य कर रही है और मैं बता दूं कि राज्यसभा का कार्य राज्यसभा का कार्य स्थगित ना होकर के उसके सदस्यों का उसके सदस्यों का रिटायरमेंट होता है जो कि प्रत्येक आने प्रत्येक दो वर्ष पे एक बट सदस्य को रिटायर किया जाता है और उसकी सदस्यों का जो ना सदस्यों का जो अवधि होती है वो छे वर्ष का होता है चलिए तो आप बता सकते हैं राज्यसभा के सदस्यों के विशेष अधिकारों का संरक्षण करता है राष्ट्रपति एवं लोकसभा के समक्ष राज्यसभा का प्रवक्ता होता है राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता करता है और उसके कार्यों का संचालन करता है तो मैं बता दू राज्यसभा के सभापति के रूप में जब उपराष्ट्रपति क्या नहीं कर सकते हैं तो राज्यसभा को विघटित नहीं कर सकते हैं राज्यसभा को विघटित नहीं कर सकते हैं लेकिन और सभी कार्य को कर सकते हैं चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है मतलब दिए गए जो स्टेटमेंट आप लोग के साथ है सामने है चार स्टेटमेंट दिया गया है यानी चार ऑप्शन है आप उस पर बात कीजिए कि कौन सा सही है कौन सा गलत है मैं उपराष्ट्रपति के बारे में मैंने सब कुछ बता चुका हूं और यदि आप क्लास अच्छे तरीके से किए होंगे तो आप खुद खुद बता सकते हैं चलिए पहला पढ़ते हैं उपराष्ट्रपति तो को पद पद करने के लिए महाभियोग की आवश्यकता नहीं पड़ती है एकदम बात है ना बात क्या है असत्य है ये आपका बात असत्य है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को यदि पदच्युत करना है कहने का मतलब पद से हटाना है तो उसके प्रति है ना उसके विरुद्ध उपराष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की महाभियोग की व्यवस्था राज्यसभा में की गई है तो ये आपका क्या है ये आपका है ना ये आपका सही आंसर होगा कि उपराष्ट्रपति देखिए यही नहीं है ना ये किया जाता ये किया जाता है ये किया जाता है है ना ये किया जाता है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी सभी विवादों का निर्वाचन है ना आयोग आयोग देखता है ये भी आपका क्या है आस, आ, गलत है ये भी आपका गलत है देखिए ये भी सही हो गया यदि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया जाता है तो ऐसे निर्णय के पूर्व उनके द्वारा संपन्न कार्य अवैध नहीं होंगे यह भी आपका कहना सही है तो मैं बता दूं कि सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी क्योंकि उपरुक्त सभी जो भी है जो भी है असत्य है है ना चलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है चलिए अगला भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है है ना देखिए यह पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र नहीं है है ना क्या कहता है ये पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए या भारत में राष्ट्रपति पद के लिए कोई व्यक्ति जितना दिन चा, जितना चाहे जितना बार चाहे वह निर्वाचित हो सकता है लेकिन ये स्टेटमेंट क्या है यह स्टेटमेंट है ना ये स्टेटमेंट आपका गलत है दूसरी है उनकी आयु उनकी आयु पैतीस वर्ष से कम होनी चाहिए पैंतीस वर्ष की कम होनी चाहिए ये भी आपका क्या है गलत है कम से कम है न कम से कम उनकी आयु जो है पैतीस वर्ष होनी चाहिए दूसरा है आपका है ना उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर है न बनने वाले निर्वाचक महत्व के है न सदस्यों द्वारा किया जाता है यह भी आपका क्या है यह भी आपका सही है ये भी आपका ये आपका क्या है सही है और उसकी पदावधि पांच वर्ष की होती है तो यह भी आपका क्या है तो मैं बता दू है हाँ ना इसमें कुट सेट करना चाहिए लेकिन है हाँ ना कुट सेट नहीं किया गया है इसमें होना चाहिए एक और ऑप्शन ए और बी ए और बी आपका सही आंसर होंगे चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है कौन सा कथन असत्य है देखिए असत्य कहने का मतलब गलत है देखिए भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधा कृष्णन थे ये तो आपका सत्य है सही है दूसरा उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है ये आपका देखिए गलत है मैंने क्या बताया उपराष्ट्रपति का चुनाव जो होता है है ना राज्यसभा और है ना लोकसभा के सदस्यों निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है तो आप बता सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी आपका असत्य है तो सही आंसर यही होगा देखिए अगला को अगला पढ़िएगा कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है सही बात है है ना ये सही कहा गया है है ना अनुच्छेद मैंने बताया होगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद चौसठ यह कहता है कि भारत के उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सदस्य होंगे और भारतीय अनुच्छेद नवासी में यह कहा गया है कि राज्यसभा के सभापति ही भारत के उपराष्ट्रपति होंगे ऐसा उलट के बोला गया है दो है ना चलिए तो ये भी आपका है ना ये भी आपका करेक्ट है दूसरा उपराष्ट्रपति योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम पैंतीस वर्ष होनी चाहिए तो आपका कौन है हाँ ना ये भी आपका सही है और ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी जो है आपका गलत स्टेटमेंट है इसलिए सत्य बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी आपका असत्य चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अगला प्रश्न आपका है उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है है ना उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग में बता दूं कि यदि राज्यसभा में कोई बिल कोई बिल या कोई विधेयक लाया जाता है तो यदि राज्यसभा सदस्यों का मतो मत जब दोनों इक्वल हो जाते हैं बराबर हो जाते हैं तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य राज्यसभा के सभापति होने के लिहाज से वह वो निर्णायक वोट देते हैं निर्णायक वोट देते हैं तो आप बता सकते हैं मतों के बराबर रहने की स्थिति में ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते हैं परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं देखिए संसद के मनोनीत सदस्य संसद के मनोनीत सदस्य उपराष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के चुनाव में करते हैं लेकिन मैं बता दूं कि राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही करेंगे ना कि मनोनीत सदस्य करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अगला है कि भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहां प्रस्तावित किया जाता है तो मैंने बहुत बार बोला हूं कि केवल और केवल राज्यसभा में लाया जाता है तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है अगले प्रश्न की ओर चलते हैं भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति मैंने अभी बताया कि डॉक्टर एस राधा कृष्णन एस राधा भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं भारत के उ, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे तो मैं बता दूं कि ये भी उपराष्ट्रपति के पद पर रहे हैं ये भी आपका उपराष्ट्रपति के पद पर रहे हैं यहाँ देखिए है यहां ना पीबी गिरी बीबी गिरी है ना, 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 है ना सॉरी यहाँ है मिस्टेक है यहां क्या होगा बीबी गिरी ये भी उपराष्ट्रपति के पद पर रहे हैं लेकिन ज्यानी ज्यानी बोला जाता है ना ज्ञानी जैन सिंह के सबसे कम, कम पढ़े लिखे राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता है है ना ज्ञानी जैन सिंह को है ना तो ऑप्शन नंबर डी आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका न, सही आंसर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अगला प्रश्न है किसने दो पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है तो मैं बता दू की दो बार है नाधा कृष्णन यृष्णन सरपल्ली राधा कृष्णन सरपल्ली राधा कृष्णन है ना जिनके सम्मान में है ना शिक्षक दिवस पांच सितंबर को मनाया जाता है वे दो बार भारत के पूरे अवधि के लिए भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं है ना तो आपका ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं निम्नलिखित उप, में से कौन निर्विरोध नहीं चुने गए ना कौन चुने नहीं गए तो मैं बता दूं जितना भी ये है सब के सब उपराष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए लेकिन के आर नारायण के आर नारायण जो है आपका सही आंसर होगा चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुआ है तो ऑप्शन नंबर डी आपका है ना कृष्ण कांत कृष्ण कांत की जो मृत्यु हुई है उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए हुए है। चले अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्याग पत्र दिए थे तो मैं बता दू ये बीबी गिरी जी थे जब मैं है जब मैं बैच लाऊंगा पोलिटी का तो ये सभी सभी मैं कहानी बताऊंगा आप लोग को कि बीबी गिरी क्यों रिजाइन किए थे कृष्णन को क्यों बनाया गया है ना बहुत सारी बातें मैं बताऊंगा एक एक करके है ना तो आपका है ना आपका बीबी गिरी ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है अगले प्रश्न की ओर है चलते हैं निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति पद पत पर आसीन रहा? तो मैं बता दूं कि डॉक्टर यस राधा कृष्णन अभी मैंने चर्चा किया कि सरपल्ली राधा कृष्णन जो थे है ना? वे दो पद है ना दो समय के लिए है ना रहे हैं उपराष्ट्रपति रहे हैं आने के का मतलब दस साल तक रहे हैं चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर रहे हैं तो मैं बता दूं कि ही कैसे थे जो पद पर रहते हुए राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए रिजाइन किए और ना वो सबसे कम सबसे कम दिनों तक उपराष्ट्रपति के पद पर रहे हैं तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आज का ये अंतिम प्रश्न होगा और ना ना चलिए भारत के उपराष्ट्रपति बनने के पहले डॉक्टर तो कि वे है ना राजदूत के तौर पे राजदूत के तौर पे कार्यरत थे कार्यरत थे है ना यूएसए में राजदूत के है ना राजदूत के पद पे क्या थे कार्यरत थे तो आज का सेशन समाप्त हुआ और अगले दिन अगले टॉपिक के साथ मैं आप लोग के साथ जुड़ूंगा और इसी तरह से आप लोग अपना आशीर्वाद प्यार देते रहें और मैं आप लोग के साथ प्रत्येक विषयों का एक नए टॉपिक के साथ जुड़ूंगा प्रत्येक दिन जुड़ूंगा और यदि किन्हीं को पेड क्लास भी करनी है तो बैच पे... बैच आपका एप्लीकेशन स्टूडेंट इलिट पे मैथ रीजनिंग जीके जी का भी संपूर्ण बैच लाए जाएंगे बस कमिंग सुन है और मैथ रीजनिंग अभी चल ही रहा है तो आप लोग जुड़ सकते हैं और लाभ ले सकते हैं धन्यवाद